नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नया लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है कि गढ़ी मलेरा से जब छतरपुर अल्टो कार में सवार होकर पति पत्नी छतरपुर की ओर आ रहे थे, तभी गुलगंज के पास सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह अल्टो कार जाकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए और तत्काल ही इन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर आया गया, जहां पर इनको इलाज सही तरीके से न मिलने की वजह से इनके परिजन के लोगों के द्वारा इन्हें रेफर के लिए कई बार डॉक्टरों से कहा गया, लेकिन रेफर नहीं किया गया। तो गुस्सा हुए परिजनों ने तत्काल ही इन्हें बिना रेफर किए हुए तत्काल ही इन्हें बाहर ले जाया गया। परिजनों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि जब कोई इस तरह के हादसे आ जाते हैं तो उन्हें देख रेख के लिए यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी देखने को मिलती है, और इनके परिवार के लोग इन दोनों दंपति को रेफर करने के लिए अपना पर्चा लेकर भटकते रहे, लेकिन किसी ने भी इन्हें रेफर नहीं किया। रेफर ना होने के बाद जब परिवार के लोगों ने निर्णय लिया और तत्काल ही एम्बुलेंस करके बिना रेफर किए हुए यहां से तत्काल ही इन्हें जिला अस्पताल से ले जाया गया। ये बड़े मलेरा के पास आज कहीं हुआ, तो क्या हो गया? हमारे दामाद और लड़की है। तो क्या हो गया? अस्पताल में ले आए, चार घंटे से कोई डॉक्टर नहीं आया, ना देख रहे हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन में है, बाकी कोई दूसरे देख नहीं रहे इनको। हम झांसी या ग्वालियर लिए जा रहे हैं, अभी जाके झांसी। रेफर भी नहीं किया? और नहीं, रेफर नहीं किया। अभी कह रहे ले जाना है तो दस्तखत कर दो, पूरे कागज को ले जा, रेफर नहीं। खबर दिन भर में बस इतना ही। हम फिर मिले कुछ नई ताजा खबरों के साथ।